हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़्यादातर, मैं बता रहा हूँ, अगर 10 बार एग्जाम हुआ है तो 7 से 8 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्यों आज की वीडियो के बाद आपको ये सब पूरा कोई भी टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, चलिए हम आज का अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, किरचॉफ के जो नियम है, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन कई तरह से, देखिए न्यूमेरिकल तो फिक्स है, एक आएगा इससे द्वितीय नियम से और प्रथम नियम से भी, कभी कभी 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी बता देता है किरचॉफ के नियमों का उल्लेखन कीजिए। ठीक है, तो प्रथम नियम द्वितीय नियम में दोनों लिखना होगा। तो अब यहाँ पे समझ लेंगे अगर नियम तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके एक भूमिका देख लेते हैं कि हमें कैसे क्या किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम दिए, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। धारा का वितरण का मतलब क्या है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं धारा के वितरण से। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका परिपथ है, ठीक है, ये कोई परिपथ है जिसमें आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे धारा का वितरण इधर कैसे होगा और इधर कैसे होगा, मतलब इधर कितनी धारा जाएगी और इधर कितनी धारा जाएगी, ये आईएम है। तो यही आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यही किरचॉफ के नियम को बताता है। ठीक है, तो यही होता है किरचॉफ का नियम। तो इसमें इन्होंने 2 नियम दिए, जो कि हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम कहता है इस नियम को धारा का, देखिए ये है 1 नंबर का क्वेश्चन कि धारा का नियम किस नियम को कहा जाता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम कहा जाता है। और यह भी पूछ सकता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण, किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, देखेंगे कैसे आवेश को ये संरक्षित करता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए यही मेन आपका नियम है, ठीक है, जो आपका मेन नियम है यही हो है। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आप देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका बिंदु है, मतलब कोई बिंदु जहाँ पे सारी धाराएं आके मिलेंगी, एक धारा ये हो गई, एक धारा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। मान लेते हैं ये धारा आ रही है, ये भी आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये भी जा रही है। अगर यहाँ से 7 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे 7 5 12 यानी 12 एम्पियर टोटल धारा आ रही है। तो तीनों को मिलाकर 4 4 एम्पियर जाएगी, यानी ना धारा बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है, क्यों? और इसीलिए जैसे 12 एम्पियर आई 12 एम्पियर गई, इसीलिए इसे आवेश, क्योंकि इसमें सारा आवेश संरक्षित है। संरक्षित का मतलब कोई भी आवेश का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इससे धारा का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए आवेश संरक्षित रहता है और इसीलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कैसे हुआ। तो यहाँ पे जैसे हम करें तो 7 + 5 = और देखिए जो आ रही है उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो जा रही है उसे निगेटिव मान लेते हैं, -4 - 4 = 0। देखिए इनका बीजगणितीय योग 0 होता था, इसीलिए मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है i1 + i2 + i3 = i1 i4 + i5। देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने i1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 भी आ रही है और I4 और I5 यहाँ पे इसका, तो इन सबको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इनका बीजगणितीय योग जो होगा वो 0 होगा। बस यही किरचॉफ का नियम है, इतना रट लेंगे, आपको कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, इसमें मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो इतना लिख देंगे तो कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता है। बस अब देखते हैं इसके आगे द्वितीय नियम। तो यहाँ पे द्वितीय नियम इसका क्या, इनका क्या कहता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला किसके संरक्षण में था, आवेश संरक्षण के, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसे धारा का नियम कहते हैं तो इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। अब इसे वोल्टता का नियम क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक भी पॉइंट जो है वो डाउट में नहीं डालना चाहता, तो आपको यहाँ पे ये देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में के प्रत्येक खंड में के बंद पाव, किसी परिपथ है में प्रत्येक बंद पाव के निश्चित खंडों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणन फलों का योग उस पाव में लगे विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मैं जानता हूं सब ऊपर से गया, लेकिन अब क्या होगा ये मैं समझाता हूं आपको, ये आपको इस फिगर की मदद से। देखिए
जैसे मान लेते हैं कोई परिपथ है, एक प्रतिरोध लगा, फिर यहाँ पे एक बैटरी लग गई और इसके साथ हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, फिर यहाँ से हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, मान लेते हैं कोई बैटरी है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, यहाँ पे निकली आई वन धारा, यहाँ पे निकली आई टू धारा, और यहाँ पे जो जाएगी ये दोनों धारा मिला के जाएगी, यानी आई वन प्लस आई टू, ठीक। अब देखिए यही यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब पहला बंद पास ये मान लेते हैं, दूसरा बंद पास का मतलब कोई भी एक बंद परिपथ, जैसे एक बंद परिपथ ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे धारा जो है इधर से इसमें भी चल रही है और इधर से इसमें भी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बंद पास में किसी भी प्रत्येक बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं का योग, जैसे इसमें सिर्फ कौन धारा भरे, आई टू और आई वन प्लस आई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू, तो यहाँ पे और इनका इनके देखे आई टू के साथ कौन सा प्रतिरोध है, आर टू, यहाँ पे आर टू, और आई वन आई प्लस आई टू के साथ कौन सा प्रतिरोध रहेगा, आर वन इक्वल टू उन उसमें लगे विद्युत वाहक बलों की से मान लेते ई वन ई टू, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, यही हो गया। अगर इस बंद पास में लेंगे, देखिए इसमें एक ही बैटरी लगी इसलिए हमने ई वन लिया, अब इसमें ये वाला बंद पास दो के लिए लेते हैं, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाली धारा लीजिए आई वन, आई वन कहाँ गई, आर थ्री के पास, तो I1 मल्टीप्लाई R3, देखिए धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योग प्लस, देखिए यहां से आएगी इसी बंद पास के लिए ले रहे हैं, देखिए हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमें लगाना होगा माइनस यहां पे, ठीक है। अगर धारा की दिशा में प्लस, धारा की विपरीत दिशा में माइनस, ठीक है। I2 और R2, I2 R2 इक्वल टू देखिए E1 प्लस E2, अब ये डिपेंड करेगा कि बैटरी कितने वोल्ट की है, उसी हिसाब से यहाँ पे माइनस लगेगा E1 माइनस E2, ठीक है, यही इसका यहाँ पे हो जाएगा, या प्लस जब अगर बैटरी ज़्यादा है तो प्लस भी लग सकती है, क्योंकि विपरीत दिशा में देखिए धारा यहाँ पे अंदर जाएगी, तो इसलिए प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है। यही इनका किरचॉफ का नियम कहता है। अब आप समझ गए होंगे इस नियम को, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाथ के निश्चित खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणन फलों का बीजगणित उस पाथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये चित्र मैंने समझाया हुआ है, अब आपको यही चित्र बना देना है, एक बैटरी ये लगी है, एक बैटरी ये लगी है, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिग्मा आई, और सिग्मा मतलब टोटल, और सिग्मा ई बंद पाथ एक के लिए हमने लिया है, बंद पाथ एक आप देख सकते हैं ये वाला है, जिसके लिए हमने लिया आई वन आर टू माइनस आई टू आर टू इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ठीक है। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस लगेगा, और धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस लगेगा, वही काम यहां पर बंद पाथ दो के लिए हुआ है। बस दोस्तों यही था एक आसान सा नियम जो आपने अच्छे से देखा, ये था द्वितीय नियम, यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही पूछता है, तो या इस पे भी आपको इसी पे न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।